विज्ञान ने हमेशा हमें हैरान किया है, लेकिन इस बार विज्ञान ने एक ऐसा रहस्य सामने रखा है जिसने सभी को चौंका दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ केंट के एक नए शोध के अनुसार पुरुषों का वाई क्रोमोसोम लगातार सिकुड़ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में पुरुषों का वजूद खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं यह रिपोर्ट क्या कहती है। साइंस के एक नए अध्ययन ने पुरुषों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। इस अध्ययन में दावा किया गया है कि वाई क्रोमोसोम, जो पुरुषों की लैंगिक पहचान के लिए जिम्मेदार होता है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और इसके पूरी तरह से गायब होने का खतरा है। आइए जानते हैं कि वाई क्रोमोसोम क्यों सिकुड़ रहा है। हाल ही में एक शोध में पाया गया है कि वाई क्रोमोसोम समय के साथ सिकुड़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वाई क्रोमोसोम की सिकुड़न लाखों वर्षों से जारी है। इसका कारण यह है कि वाई क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोम की तुलना में अधिक तेजी से बदलाव होते हैं। इसके अलावा वाई क्रोमोसोम में अन्य क्रोमोसोम की तुलना में कम जीन होते हैं, जिससे इसके सिकुड़ने का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल है कि क्या पुरुषों का वजूद खतरे में पड़ सकता है? अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो क्या पुरुष भी खत्म हो जाएंगे? वैज्ञानिकों का कहना है कि वाई क्रोमोसोम के पूरी तरह से गायब होने की संभावना है, हालांकि यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होगी। अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो गया तो मानव प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। पुरुषों की लैंगिक पहचान और प्रजनन क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस अध्ययन से पता चला है कि वाई क्रोमोसोम खराब हो रहा है। 166 मिलियन वर्षों पहले वाई क्रोमोसोम 900 जीन था और कुल 55 क्रोमोसोम जीन ही बचे हैं। इस हिसाब से 55 जीन आने वाले 11 मिलियन वर्षों में खत्म हो जाएंगे। अब सवाल यह भी है कि वाई क्रोमोसोम के गायब होने के बाद क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो गया तो मानव प्रजाति में एक नया लिंग निर्धारण प्रणाली विकसित हो सकता है, हालांकि यह प्रक्रिया बहुत जटिल होगी और लाखों वर्षों में हो सकती है। वाई क्रोमोसोम मनुष्यों में पाया जाने वाले दो क्रोमोसोम में से एक है, जबकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम है। पुरुषों में पाया जाने वाला एक सेक्स क्रोमोसोम्स XY है, जबकि महिलाओं में XX क्रोमोसोम्स पाया जाता है। मनुष्य में क्रोमोसोम्स उसके लिंग का निर्धारण करते हैं।